वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले प्रसंग दे विच आपां श्री बचित्र नाटक जी दे अर्थ लुजै निधान तजंत प्राण गिर परत भूम जन मेघ झूम इत्थों तक सरवण कीते सन। अज आपां इस तों अगे दे पाठ दे अर्थ विचार सरवण करांगे। रसावल छंद कृपाल कोपियं हठे पाव रूपियं स्रोगं चलाए बड़े वीर काए। कृपाल चंद ने अति क्रोधित होके गुस्से विच आके मैदान विच पैर गड़ दिते अते तीरां दी बुछाड़ कर दिती जिस नाल कई सूरमे मारे गए। हणे छत्र धारी लिटे भूप भारी महानाद बाजे भले सूर गाजे। छत्र धारी राजे मर मर के धरती उत्ते लेटन लग पए डिगन लग पए मर गए। मारू नाद बज उठिया अते सूरमे गरजन लग पए। कृपाल अंकर उदं कियो युद्ध सुदं महावीर गजे महासार वजे। कृपाल चंद ने बड़े क्रोध विच जंग कीता बड़े बड़े योधे ललकारा मार रहे सन ते लोहे उत्ते लोहा बज रहा सी। करो युद्ध चंडंग सुनयो नाव खंडंग चलियो शस्त्र बाही रजौती ने बाही। चंडंग तो भाव बड़ा भारी रजौती तो भाव राजपूती आन शान। ऐसा भयानक युद्ध होया कि उसका नाद नौ खंडा विच सुनिया जान लगा। कृपाल चंद शस्त्र बहुंदा होया अगे बधिया ते राजपूती आन शान नू निभाया। दोहरा को परे राजा सबै कीनो युद्ध उपाय सैन कटोचन की तबै केर लई अर राय। सैन कटोचन की तो भाव कटोचियां दी सेना अर राय तो भाव चंगरा मार मार के। सारे राजे गुस्से विच आ गए उन्होंने यतन कीता ते राज कटोचिए दी फौज नू ललकार के घेर लिया। पजंग छंद चले नांगलू पांगलू बेदड़ोलंग जस वारे गुलेरे चले बांध टोलंग। तहां एक बाजे ओ महावीर दयालंग रखे लाज जौनै सबै बिजड़वालंग। नांगलू तो भाव नालागड़िए पांगलू हिंडूरिए पंजौर दे निवासी सन। दड़ौलंग तो भाव चंदेल राजपूत जस वारे जसवाड़ राजपूत। नालागड़िए हिंडूरिए चंदेल अते जस वालिए ते गुलेरिए आदि सब टोलियां बना के अगे बधे मिसलां बना के अगे बधे। परंतु उस समय महाबली दयाल चंद भी उत्थे आ पुज्जिया जिसने सारे बिजड़ वालियां दी लाज रख ली। तवंग कीट ताओ लाओ तुफंगंग संभारो हिंद्रै एक रावंत के तक मारो। गिरे आओ झूम भूमै करेओ युद्ध सुदं तऊ मार बोलेओ महामान क्रुदं। तदों तेरे इस सेवक ने बंदूक संभाल के एक राजे ते निशाना बन के चला दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे हन कि मैं बंदूक संभाल के एक राजे ते निशाना बन लिया वह सूरमा राजा उलट के धरती उत्ते डिग पिया अते क्रोध विच आ के मारो मारो बोलन लगा। तजियो तुपकंग बाण पानंग संभारे चतुर बाणियंग लै सो सभ्यंग प्रहारे। त्रियो बाण लै बाण पानंग चलाए लगे या लगे ना कछु जान पाए। तुपकंग तो भाव बंदूक फिर असी बंदूक छड़ के हाथ विच धनुष बाण फड़ लिया तीर कमान फड़ लिया अते सज्जे हाथ नाल तीर चार तीर छड़ दिते तीन तीर खब्बे हाथ नाल चला दिते। ये तीर किस किस नू लगे कुछ नहीं कहा जा सकता। सो तौ लौ देव युद्ध कीनो उजारं तिनै खेद कै बार के बीच डारं। परी मार भुंगं छुटी बाण गोले मनो सूर बैठे भले खेल होले। इतने विच वाहिगुरु जी ने जंग दा पासा पलट दिता। राजियां दियां फौजां ने दुश्मना अल्पखंड दे योधियां नू धक्क के नदी विच रोड़ दिता। फौज की पिछली टुकड़ी उत्ते तीरां ते गोलियां दी बौछाड़ हो गई इवें लगता सी जिवें सूरमे हौली खेड रहे होण। गिरे बीर भूमंग सरंग सांग पेलंग रंगे सरोण बस्तरंग मनो फाग खेलंग।
लियो जीत बैरी किया आन डेरंग त्यों जाए पारंग रहे बार केरंग योधे बरछियां ते तीरां नाल बिन्ने हुए धरती उत्ते पए सन। उन्हां दे बस्तर लहू नाल लाल रंगे हुए सन जिमें उह फाग हौली खेड के हटे होण शत्रु ते विजय प्राप्त करके सूरमे अपने कैंपां विच आ गए तंबूआं विच आ गए अते नदी तो पार पुज के रात नूं आराम करन लग पए। पई रात्र गुबार के अर्द जामंग तवै छोर गे बार दे वैद मामंग सबै रात्र बीती उदयो दौ सराण चले बीर चालाक खगं खिलान। रात दा अजे अद्धा पहरी बीतिया होवेगा कि अल्फ खान नगारची नूं नगारा बजांदे रहण दा हुक्म दे के अपनियां फौजां लै के मैदान छड के भज गया। दिन ते चढ़न ते इधरों सूरमे हत्थां विच खड़ग लै खड़ग दी खेड खेडण लई फुरती नाल चल पए। भज्यो अल्प खान न खाना संभारेओ भजे और वीरं न धीरं विचारेओ नदी पैदन अष्ट कीने मुकामं भली भांत देखे सवै राज धामं। अल्प खान नठ गया भज गया वह अपने भोजन का समान भी संभाल ना सकिया वह भी उत्थे ही छड के भज गया। बाकी दे योधे भी धीरज नाल विचार कीते बिना ही उत्थों नठ गए। नदी दे किनारे असां अठ दिन डेरा रखिया ते भीम चंद दे राज महिलां नूं चंगी तरह देखिया। चौ पई इत हम होए विदा कर आए सुलह नमित वै उतैस दाए संद इनै उन कै संग कई हेत कथा पूर्ण इत पई। इधर असी विदा हो के घर नूं पुज गए। उधरों भीम चंद नाल सुलह करन लई कृपाल चंद दयाल चंद भी आ पुजे। उन्हां दी आपो विच संधि हो गई। इस तरह यह कथा इत्थे ही समाप्त हो गई। दोहरा आल सून कह मार कै ए दिस कियो पयान भांत अनेकन केकरे पुर आनंद सुख आन। आनंदपुर वल आउंदे आउंदे राह विच असी आल सून पिंड नूं सोधिया अते आनंदपुर पुज के कई प्रकार दे सुख आनंद भोगे सुखां भरिया जीवन बतीत किया। इत श्री बचित्र नाटक ग्रंथे नदौन युद्ध वर्णन नाम नौमों ध्याए समापत मस्त शुभ मस्त अफजू। इत्थे श्री बचित्र नाटक का नौवां अध्याय समापत हुंदा। नौवें अध्याय दे विच नदौन दे युद्ध का वर्णन किया गया सी। इतनियां ही बेनतियां नूं प्रवान करना जी। कथा करदिआं पाठ करदिआं अनेकां प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां हो गईआं होणगीआं अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।